वेलकम टू माय चैनल। अरे यार ये लड़की है कि जोकर है मुझे समझ नहीं आता। ये सब सब रहेगा, ये सब कट करना। गुदगुदी नहीं है, गुदगुदी नहीं। वन एंड टू एंड थ्री एंड गो। वेलकम टू माय चैनल हमारी डेली लाइफ। मैं मीरा एंड मैं साक्षी, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है, नमस्कार करती हूँ। अरे यार अगर सीधे रहोगी तो अच्छा रहेगा। वहाँ पे वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक आएगा, चिपक जाओ अंदर कैमरा के, तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पर वीडियो पूरा देखिए जरूर। और साक्षी का यूट्यूब चैनल है द साक्षी लाइफ, वहाँ जाकर आप लोग वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा चार्ट डालती हैं। आज भी बना रही हैं, आज भी अपलोड करेंगी, आज ही करूँगी, आज करो कल करो पर आज होगा रिकॉर्ड। और इंस्टाग्राम है वहाँ भी जाके फॉलो करो, तुम सीधे अगर बैठ जाओगी तो अच्छा रहेगा। ये जब देखो मेरे साथ यही लड़ाई इसका शुरू हो जाता है, तो दंगल है। दंगल नहीं, दंगल इस तरीके का नहीं होता है, उधर सामने देखो। तो फिर आज का दिन है, क्या बोलते हैं, 11वां दिन है। 11वां दिन है, हाँ कल 10वां था। 11वां था आज, कल 10वां था, हाँ कल 9वां था, नहीं 10वां था, आज 11वां दिन है। और अगर 10 निकला, बिल्कुल नहीं निकल सकता, तब क्या करोगी? मैं हीरोइन हूँ। व्हाट इज दिस? हाँ 10वां आज 11वां दिन है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी, सबसे पहला टॉपिक मेरा यही है, हाँ सॉरी, कि जय जो है वो बिकिन के वार में सलमान जो है उनको डांटे नहीं, समझाए नहीं, या बड़ा प्रेम से उनका प्यार किए, स्वागत किए, स्वागत से करेंगे सबका स्वागत, क्योंकि कहे ना कि अगर देखे, मुझे प्रतीक पसंद नहीं है, लेकिन बात यहाँ ये आ रहा है कि गलत, अगर बहुत अच्छा इंसान भी गलत रहेगा तो गलत है, तो गलत प्रतीक है। तो नहीं गाली दिया, वो तोड़फोड़ नहीं मचाया, अपने आप को भले मान लिया, क्योंकि उसको असर पड़ता है, अगर लोग गाली देते तो उसको असर करता है कि माँ का गाली मत दो, लेकिन ये वही काम किया, जय वापस गाली दिया। अगर इस वीकेंड के बारे में अगर सलमान नहीं डांटेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई पक्षपात कर रहे हैं, वो तो क्या बोलते हैं, पार्शियलिटी। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए, हाँ इसी बात पे मैं भी बता दूं कि देखिए अभी मैं एक महीने का टाइम ले रही हूँ अपने, ताकि मैं प्रतीक को टोटली अंडरस्टैंड कर लूँ कि हाँ वो मेरा सही डिसीजन है कि नहीं। जैसे करण को मुझे नहीं लेना है, भले वो आगे चल कर अगर कोई गलत भी करते हैं तो वो हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ सब वो गलत किए, लेकिन क्या है कि प्रतीक डेली कर रहे हैं, अभी तो डेली हो जा रहा है, कुछ ना कुछ पे हो ही जा रहा है, तो मैं एक महीना देखूंगी कि वेदर प्रतीक सही है कि नहीं। नहीं रहेगा तो अभी तो फिलहाल मेरा सिर्फ एक ही सपोर्ट रहेगा, दैट इज़ करण कुंद्रा, और अगर मुझे कोई अच्छा और लग गया मैं उसको बता दूंगी एक महीने बाद, मतलब ये अक्टूबर ख़त्म होने के बाद मैं बता दूंगी। और साथ में अगर प्रतीक अच्छा कुछ कर देता, दो हफ्ते तीन है अभी, अगर इम्प्रेस कर देता है तो मैं प्रतीक को कंटिन्यू सपोर्ट करूँगी। उस पर मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने नहीं कर, लेकिन वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे तो अभी तो प्रतीक जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन गाली हाँ, या तोड़फोड़ तो नहीं किया था पूरा जय, इतना गलत कि हम लोगों ने भी कॉल डाला तो उसमें 100% लोग कह रहा है, ये बोल रहा है कि ऊंची आवाज से तुम भी बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सा दूध का धुला हुआ है जय, वो भी तो ऊंची आवाज में खुद बोल रहे हो और उसको बोल रहे ऊंची आवाज से आएगा तो मैं गाली दूंगी। अरे ऊंची आवाज में अगर वो आ रहा है तो तुम भी तो ऊंची आवाज में ही बोल रहे हो भाई, तो वैसे ही बोलो, गाली क्यों दे रहे हो? अरे मुझे समझ नहीं आता कि इनकी वाइफ कैसे रहती है इनके साथ, अगर इसी तरीके से हर बात पे गाली देते हैं इनको, मतलब वो क्या बोलते हैं, कंट्रोल नाम का चीज़ नहीं है इनके अंदर, तो अपनी फैमिली को कैसे संभालते हैं भगवान जाने, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से। भाई हर घर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अगर जिसके घर में जो होता है वो हकीकत में वही सब दिखता है, मतलब ये जय भानुशाही जो हैं देते हैं गाली, ये ऐसे ही घर में भी हैं, इनका रियल पर्सनालिटी ये है, ना कि वो जो लिख के मिलता है कि तुम जाके वहाँ एंकर बनो, एंकरिंग करो, वो उनका रियल नहीं है,
रियर ये दिख रहा है बिग बॉस। एंड ओवरऑल जो गेम हुआ कि जो चौकीदार वाला राजा और वो वाला घर उनके नाम, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें बीच में यही जो बकवास हो गया इस वजह से, अदरवाइज उधर वाले भी भाई तीन हैं तो कितना ट्राई तो पूरे करें ना, कितना कर पाएंगे जब सब लोग। और वो भी निशांत को तुमने पकड़ा क्योंकि तुम दोनों जानते, मतलब खासकर ये प्लान तो उसका था, क्या नाम है, जय भानुशाली का, कि हम निशांत को पकड़ते, ये बोला कि तीनों का अलग अलग करते हैं। करण ने बोला नजर अगर नहीं मिलेगी तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। फिर जब पकड़ोगे निशान तो सबसे कमजोर है, है? वैसे भी वो हंसता भी है, वो ज्यादा लड़ने वड़ने लेकिन लग गया उसको इस चक्कर में बहुत ज्यादा। औंठे पे भी उसका खून निकला था, पैर के हाथ पे निकला और यहाँ भी निकला था, वो नहीं बोला वो अलग बात है। उसके बाद वो उसको गुस्सा आने लगा जब समिता को लगा, जब समिता को लगा कोई मानने को तैयार नहीं, वो दिखा रही है पूरे ये था ये पूरे में लगा, वो जाजा के हाथ में पानी डाल रही थी पूरा, ऐसे बाउल में पानी रखा था ऐसे पूरा हाथ ऊपर रही है उसमें। तो ओवरऑल इधर वाले भी अच्छा परफॉर्म किया, उधर वाले ने भी पूरा अच्छा किया, जीते थे यही लोग जंगलवासी। तभी अब उनको मिल चुका है 30 वो ना रोड मैप का, 30 मैट जैसा। और सेकेंड अब गेम डिवाइड हुआ, उसको शुगर केन टास्क चल रहा है। टीम वन जो है वो है करण कुंद्रा, मायशा, उमर रियाज एंड विधि पांडे जो बने हैं प्लांट। फिर जो टीम टू है जो टाइगर बने हैं वो है विशाल कोटिवाना, जय भानुशाली, अक्षा सिंह एंड तेजस्वी प्रकाश जो टाइगर बने। फिर जो डियर वाले में है टीम थ्री, थर्ड जो है अफसाना खान, सिम्बा नगपाल एंड ईशान एंड डोनल विस ईशान सहज गर्ल, सहज गर्ल पता नहीं क्या सर नेम है। ये है टीम, पर दो टीम एक साथ मिलके कर रही है और एक टीम अकेले है। सेकंड के विनर कोई नहीं बना है, सेकंड के तेजा चली गई इधर, यही गलत हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा था कि करण के साथ रहते तो दोनों तो मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि, पर बिग बॉस जो करते हैं अच्छा, उनका गेम है, गेम अच्छा ताकि देखना चाहते हैं कि क्या अलग अलग कैसे खेलते हैं क्या होता है। जैसे देखिए अभी मायशा का है और वो निशान भी, निशान क्या नाम है उसका, दोनों का कैसे हो गया जंग। हाँ, तो मैं अब आपको ओपनिंग अलग ट्रेंड बता दूं तो जो चल रहा है ताकि पता चलते रहे, मैं लिख के भी डाल दूंगी जब मेरा अगर मूड रहेगा, घर में रहेगा। तो फर्स्ट नंबर पे विधि पांडे हो चुके हैं 28% से, डोनल बिस्ट हैं सेकंड पोजीशन में 26% से, थर्ड पोजीशन में है विशाल कोटिवाना 25% से, अफसाना खान है फोर्थ में 11% से, अक्षा सिंह है 5.01 से, ये क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 पोजीशन में, 6 पोजीशन में ईशान सहजगल 5% 0.5। मैं तो जाएंगे तो ये दोनों या तो अक्षय या तो ईशा। विधि पांडे हो क्या तेजस्वी का या और हाँ, वही हो रहा है करण के दोस्त, मतलब या कि दोनों के साथ रहती है। हाँ, और ये गेम जो था गेम के साथ डोनल भी अकेले था, अकेले मतलब पर्सनालिटी के वाइस से उसको वोट आ रहा है डोनल को, क्योंकि उसकी तो कोई नहीं अंदर वाले चाहते हैं हाँ, कि वो उसको सेफ हो, सेफ हो, लेकिन वो सब चाहेंगे। वो इतना मतलब अच्छा वो कर रही है इसी वजह से शायद उसका दिमाग भी बहुत चलता है सेकंड पोजीशन में। फिर ये दोनों फिर से टास्क सब चीज प्लान कर रहे हैं, महाप्रतीक एंड निशान दोनों फिर प्लानिंग हो रहा है। तो सब प्लान तो देखिए बिग बॉस में पहुंचते ही प्लान बनना शुरू हो जाता है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन यह है कि हाँ। और साथ में अफसाना को जब लगा था सर पे गिरी कितना भयंकर रोती है, लगा था वो थप्पड़ तो क्या है? वो पेपर ऐसा ठोकने पे खुद की बैलेंस ही नहीं संभाल पाई, इतनी हैवी है वो कि भाई मैं भी गिरते रहती हूँ क्योंकि मैं भी हैवी हूँ। मैं ऐसे जरा सा कोई पानी गिरा देता है ना ये मार्बल पे, अच्छा चलते चलते फटाक से गिर जाती हूँ और बेइज्जती करवा रही हूँ। नहीं गिर जाती हूँ तो बता रही हूँ कि ऐसे हैवी लोग बहुत संभाल के पैर रखते हैं तो ठीक है। वो उसमें तो क्या था कि तेजस्वी बोली भागो, कि भागो, भागो आप यहाँ खड़े क्यों हो। अब वो भागने के चक्कर में बेचारी पीछे से ऐसा थपाक किया प्रतीक को था, ऐसे गिनती भी नहीं हुई बेचारी, चोट भी लगा कितना रोई चोट भी बहुत लग गया था उसको। पर यह कि चलो गेम में देखिए ऊपर नीचे थोड़ा होते रहता है, पर हाँ जवान सुधार के बोले इंसान तो ठीक है, लेकिन जो जवान ही खराब कर देता है। अब आज के में शमिता पार्शियलिटी करेगी,
मुझे भी लग रहा है जो है ना वो दिखाया गया है, कोटरी वाल है ना, जैसे कि नमस्कार बिग बॉस माइंड डाइवर्ट करता है, पता है वो क्या है, वो उसको अक्का बोलते हैं और करता नहीं है सपोर्ट कुछ ऐसा नहीं करता नहीं है, लेकिन वो क्या वो बहन मान लिए है, भाई मान लिए है, ये बहन मान लिया है, अब वो अक्का पक्का के चक्कर में ये सब है। और साथ में उसको चाहिए भी तो ना कि ताकि कोई मेरा सपोर्ट अगर मैं दिखा, लेकिन ये तुम ये नहीं समझ रहे, अगर जब अपोजिशन आएगा, जब उस घर में सब चले जाएंगे, शमिता उसकी लास्ट प्रायोरिटी होगी एज कम्पेयर टू जय भानुशाली, जैसे उसकी बहुत जमती बहुत जमती है, मुझे समझ नहीं आता जैसे समझ, लेकिन ये इतना समझ में आ गया कि शमिता जिताएगी यही टाइगर टीम को, टाइगर टेडियर दोनों साथ में ही रहेंगे, साथ ही में है तो चाहिए इसको, लेकिन लगता तो टाइगर ही जिताएगी क्योंकि जब करण है और ये रियाज उमर जो है दोनों मिलके जब इसका आरो गन्ना का रस गिरा दिए थे और अपना बॉटल कस के गन्ना है और अब अल्टी में ले जाके बाथरूम में रख दिए थे, उसको बोल नहीं रही है कि हाँ ये लोग के पास है, बोल रही है जहाँ पानी का सप्लाई है वहाँ नहीं मानूंगा नहीं करूंगी, हाँ तो वो बोल दी ना कि मैं किसी को नहीं, सेकंड राउंड ये था, फर्स्ट राउंड अभी मैंने अपडेट देखा, फर्स्ट राउंड में टाइगर टीम जीती है ना ये लोग, यही देखो अभी कितना क्षमता मतलब कभी एरो सही डिसीजन कोई लेता ही नहीं है, मैंने ये देखा है, इस वजह से शमिता को भी नहीं बोल सकता इंसान, क्योंकि जिसको ज्यादा चाहते रहता है उसी को सोचता है कि हमारी टीम में आवे या वही जीते वही करे, ये भी नहीं, ये लोग शमिता को नहीं, मैं इनको कहना चाहती हूँ कितना गधे हैं ईशान लोग, ये कि अपने टीम को तुम नहीं वो कर रहे हो कि नहीं हम ही हम जाएं अंदर घर के, क्यों टाइगर टीम जाए अंदर, तुम्हारा खाना पीना तो वो है नहीं कि तुम वो जीत जाएंगे तुम भी जीत जाओगे, सही बात है, अगर अपने अपने को खेलना चाहिए था, ऑफ कोर्स वो बोलते हैं ना कि अकेले अकेले खेलो तो ये लोग कुत्ते के जैसे दुमिना ले रखे वहां पे, चलो अब उधर चलते हैं, विशाल बोल रहा है ना उस वाले टीम में, इसीलिए जय वाले को सपोर्ट कर रहा है, हाँ, वही सी और टाइगर टीम वही लगी रहा, और ये ही हो जाए ना तब और मजा आएगा, ये कहते हैं चार जाके बैठेंगे अंदर एसी में, नहीं बिग बॉस कहे कि जैसे ये लोग सोच रहे हैं कि बिग बॉस कहेगा कि अब आप लोग अपने में चूज करेंगे किसको चार को भेजना है, लेकिन अब ये कर दें कि टाइगर टीम जीती है बस वही टीम जाए, तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, पर वीडियो देखिए जरूर, जय माता दी, बाय बाय, लेट्स रॉक।